राजू श्रीवास्तव अब सबके बीच पहुंच चुके हैं आपकी चाय के मजे को दुगना करने के लिए। हेलो 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 हेलो, ठीक है थोड़ा और वॉल्यूम, नहीं नहीं हेलो ठीक है साहब, नहीं ओके बीच में है। हेलो नमस्कार, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी मैडम, आइए तशरीफ रखिए, चाय के लिए वॉल्यूम और बढ़ाइए वॉल्यूम। हेलो हेलो हेलो, ठीक है यार, तू एक अच्छी फोटो ले ले फिर बैठ जा। कौन सी छपनी, कौन सी एक ले लो। ओके बाहर चाय की तैयारी हो रही है, इस बीच मैं आपके सामने हूं और ये तीन लोग बैठ जाएं, एजेंडा इनका अलग एजेंडा है कुछ। आइए अंकल तशरीफ रखिए, भाभी जी आप आ गई, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, ये लेट आई इनको क्या अलग टाइम दिया है। मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूं क्योंकि आम आदमी कह नहीं सकता, आम आदमी का कॉपीराइट तो किसी और के पास है। सो जहां आप नहीं जा पाते हैं, मैं बड़े मजे से घूमता हूं, आज भी ऑटो रिक्शा में भी घूमता हूं, बस में भी जाता हूं, सबसे मिलता हूं। मेरे वही पुराने दोस्त हैं हमारे, सब्जी वाले दूध वाले, उनके साथ मैं उठता बैठता हूं तो उन्हीं की तमाम बातें करूंगा, उनके मन में जो चल रहा होता है वही मैं ज्यादातर पेश करता रहा हूं। भाई सबको चाय दे दो, कैसी शक्कर लेंगे, दो दो क्यों नहीं, उनको डायबिटिक है। मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है, आम आदमी के मन की बात कर रहा हूं। मैडम आप समझ रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, समझ रही हैं, वेरी गुड। महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है, उधार मांगने लक्ष्मी मैया खुद राजा और गडकरी के पास गई। एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा, एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा, नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। ये जरा हां, पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में चुनाव अनाउंस हुए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उससे पहले की बात बता रहा हूं। हाँ एक बार बैठ जाए तो मेन आइटम शुरू। पुरी साहब आइए प्लीज आइए, आपको तो चाय कोई भी दे देगा, प्लीज देखिए। थैंक यू मच। ये चाय को बोले तो बाहर अरेंजमेंट है कि यही है, अच्छा अच्छा तो सबको नहीं मिल रही है। लीजिए लीजिए प्लीज, एक बार सेटल हो जाएं सारे सारे लोग। आज के लिए पानी का भी अलग चला है, पहले ग्लास में तमीज से दिया जाता था, आजकल बोतल फेंक देते, खुद ही खोलो पी लो, पी लो पीना पियो नहीं तो जेब में रख के ले जाओ। झूठ और मक्कारी घड़ियाली आंसू में घोल देता है, झूठ और मक्कारी घड़ियाली आंसू में घोल देता है, वही आजकल अपने देश का सबसे बड़ा नेता है। ताली बजा सकते हैं। बिल अरे बिल मत लो उनसे, गेस्ट है अपने। हाँ जी पिछले मैं आइटम पेश कर रहा हूं, कॉमेडी आइटम,
जो पॉलिटिकल है, ये सब सुनते सुनते याद आ गया मुझे। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए, अखिलेश सरकार गवर्नमेंट बनी समाजवादी पार्टी की, उससे पहले की बात बता रहा हूं, तब हमने आप ही के चैनल में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बड़े बड़े नेता वोटर्स को लुभाने के लिए गरीब के झोपड़े में रात गुजारते थे। किसी गरीब के झोपड़े में नेता लोग रात गुजारते थे वोट बैंक के लिए। तो ऐसे ही रात को 2 बजे, पुरी साहब, ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब के झोपड़े में दस्तक हुई। बुढ़ी निकल के आई, अरे को है, को खटखटा रहा? अरे अम्मा देखो, बहन जी आई हैं, ये तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे तुम्हारी बहन होगी? हमारी बहन के मारे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी। अरे भैया गरीब का घर है, हमारे 4-5 एकड़ है, उमर राहुल गांधी पहले से लेते हैं। अरे अम्मा तुम मायावती जी को मना कर रही हो, मायावती जी को मना कर रही हो? चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में लेट जाएंगे, चटाई ले आओ। चटाई तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी सोना बहुत जरूरी है इस बुढ़िया के घर में, मीडिया चारों तरफ है और 3 दिन बाद ही वोटिंग है, आप छत पकड़ लो, छत, सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ जाओ, छत जरूर खाली होगी। अब सीढ़ी को एक तरफ से सतीश मिश्रा ने पकड़ा, एक तरफ से नसीमुद्दीन ने। बहन जी सीढ़ी चढ़ी रही थी कि छत से आवाज आई, उत्तर प्रदेश समाजवाद पर मुखा पर। अब हवा परवा पैस लेता आजम खान लेते, आजम खान लेते, हमारे भाई सुपा लेते, राम गोपाल, राम गोपाल प्रोफेसर, हवा बेजा अखिलेश, अखिलेश हमारे बहु बहु दिब्बत कन्नौ 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 के साथ कन्नौज के, हाँ हमारे बहु रहते, हमारे परिवार ने इस बार समय रहते पूरी जगह छेंक ली है, इस बार किसी बहन जी की और बुआ की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। गब्बर के बहुत सारे एक्ट मैंने किए कि गब्बर बूढ़ा होता तो कैसा होता, गब्बर हुलक्कड़ होता तो कैसा होता, और ये पूरा कम संभाल रही है। हाँ हाँ बड़ी होनहार है। हाँ जी, ड्रेसेस मैचिंग वगैरह सब बहुत अच्छा है, ध्यान देती है अपने आप पे, वेरी गुड। हाँ जी, ये बीच में एडिट हो जाएगा ना। ओके, गब्बर पे बहुत सारे मैंने स्किट किए हैं। अभी किया था कि अगर गब्बर सिंह का रोल करते लालू प्रसाद, लालू जी अगर गब्बर का रोल करते तो शोले में वो सीन कैसे होता। गब्बर सिंह घूम रहे हैं, लालू जी है कालिया, देखो मच्छरवा का, ए मोटू धर, गब्बरवा इधर खड़ा, पगलवा उधर देखा, तोरे से पूछ रहे हैं, कोई बताओ हम ग्रुप के सरदार हैं, इसको ना मालूम नहीं बुर्बक को, ए कालिया, अरे कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काय गोल गोल बोल रहा है, सीधे बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सांभा सुकड़ा,
देखो एक हड्डी के ऊपर बैठता है, ऊपर बैठता का चील कौआ से दोस्ती हो गया। अरे रपट पड़े, गिर पड़े, अस्पताल का खर्चा हमें देना पड़ेगा। काय ऊपर बैठता है बांगड़ू। अच्छा वो सब छोड़ो। अरे कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए, पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे हैं? नहीं भरे हैं। तोरे पूछा है, नेतागिरी करते हो। और ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर काहे लिए है? यहां से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता, उसकी मां कहती खा ले नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। थैंक यू थैंक यू। हाँ टाइम हो गया। ओके बात हो रही थी देश मांगे मोर, राइट, इंडिया मांगे मोर। हां बात हो रही थी इंडिया मांगे मोर, लेकिन मोर तो छोड़िए, किंगफिशर के स्टाफ को पेमेंट भी नहीं मिल रही। किंगफिशर का स्टाफ जब विजय माल्या को देखता है तो क्या कहता है, विजय माल लाया? अभी के लिए इतना ही, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बोला मुझे चाय चल रही है अभी और इंट्रीज हैं बीच बीच में, अब इतनी डिमांड है तो कंटिन्यू एक एक बार तो ओके ठीक है। एक मिनट, मैं साथ में ये अनाउंस करना चाहूंगी कि पीछे चाय और नाश्ते का इंतजाम है, आप लोग वो भी ले सकते हैं और आपको टेबल पर भी सर्व किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। लेकिन चाय का कप आप राजू की गप के साथ मजे लेते रहें, राजू यहीं पर है। पिछले दिनों बैठी वो ले लेंगी, वो खुद ही ले लेंगी। आप बैठी, वाह वाह वाह, आप कैसे ठीक हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बगैर शराब के काफी लोग आए हैं और बड़ी खुशी से बैठे हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों को रोक के रखना। क्या भाभी जी, ये भाभी हंस रही है, ऐसा लग रहा सबको पेमेंट बट रही है। हाँ जी, पिछले दिनों मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठा था, सुबह 4 बजे मेरे को गेस्ट आने वाले थे, उनको रिसीव करने गया था, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। हाँ उन्हीं के लिए सुना रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बॉस लोग हैं। वैसे आप लोग रोज अच्छा खाते होंगे, आज हाँ जी हम फिर से यहां से शुरू करो, यहां से इतने से टेलीकास्ट होगा ना। सिंसियर, ये रोज खींचते हैं, आज खींच रहे हैं। ओके पिछले दिनों मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन बैठा था, सुबह सुबह 4 बजे ट्रेन आने वाली थी, अपने रिश्तेदार को रिसीव करने गया था। अब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे क्या हालत होती है प्लेटफॉर्म पे, पूरे प्लेटफॉर्म सन्नाटा, मैं अकेला बैठा हूं सीट पे, कुछ उधर कुत्ते बैठे हुए थे, उधर कुली आग ताप रहे थे। तभी इससे ऐसी आवाज थी गया, हैंड माइक दे है, हेलो ऑन कर, हेलो हाँ देखिए ये क्वालिटी बेटर है। तो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूं,
पूरे प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा, तो मेरी सीट के पीछे से कुछ डरावनी आवाज आ रही थी जहां मैं बैठा हुआ था। कौन है? है कौन भाई? उधर से हाथ निकला। अरे डरो मत भैया, रामदेव बाबा के शिविर से आ रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं। मैं बोला बाबा ने डराने के लिए सिखाया, खुल के करो यार। अरे यार इतना मालूम नहीं है, योगा का एक आसन है, आसन है, खुल के करो यार। डर गया। उसके बाद ट्रेन आई, और मेरी आपको ये मशवरा है कि सुबह सुबह एसी डब्बे में आप किसी को रिसीव करने जाओ मत, एवाईडी कीजिए, आप घबरा जाएंगे। सब सफेद चादर ओढ़े लेटे रहते हैं, कितने तो हिलते भी नहीं है। नया आदमी डर जाए क्या मैं पोस्टमार्टम रूम में तो नहीं आ गया। मैं अंदर आया, मेरे रिश्तेदार ऊपर की बर्थ में था, स्टेशन आ गया फिर भी उतरा नहीं, उसका क्या प्रोग्राम था मालूम नहीं। ऊपर उसने बैठे बैठे कुर्ता निकाल के फेंक दिया, ऊपर ही शुरू हो गया। हमने ट्रेन तुम लाए कि ड्राइवर लाया? बोले नहीं, योगा का आसन है, आलोम अनुलोम आसन है। हमने ये आसन है तुम्हारा ये निकला हुआ क्या सिंहासन है? तभी देखा उसका बच्चा बाजू वाली आंटी की साड़ी खींच रहा है। हमने ये क्या है? बोले ये दुशासन है। बाबा के शिविर में गया, योगा से फायदा तो होता है, कॉमेडी भी बनती है। बाबा जी सिखा रहे थे, योगा करने से होता है, ये तो करने की विद्या है, ये तो करने से होता है। यहां पर कोई है जिसका वजन कम हुआ? किसी का वजन कम हुआ कोई है? एक महिला खड़ी, शदी में कानपुर से आई हूं, मैं जब से योगा कर रही हूं मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरा 24 घंटे में 5 किलो वजन कम हुआ है। 24 घंटे में 5 किलो कैसे? मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरे डिलीवरी हो गई। ये तो करने की विद्या है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।